हेलो फोक्स, आई एम पुनीत हेयर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंडाउमेंट पॉलिसी। टेंशन ना लें, ये प्लान नाम से जरूर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पर है बहुत काम का। तो चलिए जानते हैं एंडाउमेंट पॉलिसी के बारे में। इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एंडाउमेंट पॉलिसी है क्या। एंडाउमेंट प्लान बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि आपके लाइफ के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। वो आपको एक रिस्क फ्री सेविंग कॉर्पस देता है और साथ ही साथ आप उसको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो ये प्लान आपको सेविंग्स करने में भी मदद करता है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सो दैट आपको एक लमसम अमाउंट मिल सके एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। एक और बात, मैच्योरिटी अमाउंट आपको तभी मिलता है जबकि जिसका भी इंश्योरेंस हुआ है वो सर्वाइव कर जाता है टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा कि एंडाउमेंट पॉलिसी होती क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एंडाउमेंट पॉलिसी किस किस तरह की होती है। बेसिकली एंडाउमेंट प्लान्स पांच तरीके के होते हैं, जैसे कि यूनिट लिंक्ड एंडाउमेंट प्लान, फुल और विद प्रॉफिट एंडाउमेंट प्लान, लो कॉस्ट एंडाउमेंट प्लान, नॉन प्रॉफिट एंडाउमेंट प्लान और गारंटीड पॉलिसी। इन प्लान्स के बारे में डिटेल में समझने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं और हमारी वीडियो को भी देख सकते हैं जिसके अंदर हमने पूरी तरीके से एंडाउमेंट प्लान को कवर किया है। तो चलिए फटाफट से एक बार एंडाउमेंट प्लान्स के फायदों के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहला फायदा है एडिशनल बोनस ऑन एंडाउमेंट पॉलिसी। अगर हम एंडाउमेंट प्लान्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको दो तरह के बोनस मिलते हैं। बोनस एक एक्स्ट्रा अमाउंट की तरह मिलता है जो कि इंश्योर्ड को दिया जाता है। इन बोनसेस को हम क्लासिफाई करते हैं रिविजनरी और टर्मिनल बोनस के तौर पे। रिविजनरी बोनस में एडिशनल अमाउंट को ऐड किया जाता है इन द डेथ बेनिफिट और द अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसमें हम स्पेसिफिकली प्रॉफिट्स पॉलिसी की बात कर रहे हैं। एक बार रिविजनरी बोनस डिसाइड हो जाता है तो वो विड्रॉ नहीं होता जब तक कि पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती या इंश्योर्ड पर्सन की डेथ नहीं हो जाती। टर्मिनल बोनस में डिस्क्रिशनल अमाउंट ऑफ मनी को ऐड किया जाता है टू द पेमेंट्स मेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। एंडाउमेंट प्लान के दूसरे फायदों में आ जाता है राइडर बेनिफिट। राइडर्स में आ जाते हैं एक्सीडेंटल बेनिफिट जिसमें कि आपको एडिशनल पैसा मिलता है इन केस देयर इज सम मिसहैपनिंग व्हिच हैपेंस बिकॉज़ ऑफ एन एक्सीडेंट। मतलब कि नॉमिनी को एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और मिलेगा इन एडिशन टू योर नॉर्मल बेनिफिट। एक और राइडर है क्रिटिकल इलनेस कवर। ये राइडर तब काम आता है जब पॉलिसी होल्डर डायग्नोज हो जाता है विद अ क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर या ऐसी कोई भी बीमारी जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। तीसरा राइडर है डिसेबिलिटी राइडर। ये राइडर काफी इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है पॉलिसी होल्डर को इन केस ऑफ पार्शियल और परमानेंट डिसेबिलिटी। और भी काफी सारे राइडर्स अवेलेबल हैं, उन सब की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें। एंडाउमेंट प्लान्स का तीसरा मेजर बेनिफिट है मैच्योरिटी बेनिफिट। इस बेनिफिट में अगर पॉलिसी होल्डर पूरा टर्म सर्वाइव कर जाता है पॉलिसी का उसे मिलता है एक सम इंश्योर्ड प्लस बोनस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। अब जब हमने बेनिफिट्स की बात कर ही ली है तो आइए जल्दी से एक बार फटाफट इसके फीचर्स पे और नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली बात है कि यहां पे आपको डेथ बेनिफिट के साथ साथ सर्वाइवल बेनिफिट की फैसिलिटी भी मिलती है। यानी कि अगर इंश्योर्ड की डेथ पॉलिसी टर्म के अंदर हो जाती है तो आपको डेथ बेनिफिट मिलता है और अगर वही पॉलिसी होल्डर पूरा टर्म सर्वाइव कर जाता है तो सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है। इस प्लान में आपको हायर बेनिफिट्स मिलने के भी चांसेस हैं और पूरी टर्म के लिए आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स को सिक्योर भी करता है। तो वेदर आपको डेथ बेनिफिट मिले या सर्वाइवल बेनिफिट मिले, हर हाल में एंडाउमेंट प्लान का पे आउट प्योर लाइफ इंश्योरेंस के पे आउट से ज्यादा होगा। तो अब बात कर लेते हैं प्रीमियम पेमेंट की फ्रीक्वेंसी की। इस प्लान के लिए आप प्रीमियम पे कर सकते हैं मंथली, क्वार्टरली या एनुअली भी। और हाँ, इस पॉलिसी को आप सिर्फ एक बार प्रीमियम देके भी खरीद सकते हैं जिसे हम कहते हैं वन टाइम प्रीमियम पॉलिसी। इस प्लान में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है बोथ ऑन प्रीमियम पेमेंट्स एंड मैच्योरिटी पेआउट्स अंडर सेक्शन 80C एंड 1010D। एंडाउमेंट प्लान्स काफी सेफ हैं एज कंपेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो उम्मीद करता हूं आपको इस प्लान के फीचर्स और बेनिफिट्स सही से समझ आए होंगे और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो हमने अपनी वेबसाइट policybazaar.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें। उस पर सिर्फ इस प्लान की जानकारी ही नहीं, हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स भी मौजूद हैं जो कि आपको सही प्लान चुनने में मदद करेंगे।
करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अब इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।